नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2020 की। जी हाँ दोस्तों, जल्द नियुक्ति की मांग को लेकर बीजेपी एमएलए जो है कालीचरण जी सराफ, उन्होंने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा और जल्द नियुक्ति की मांग की है। यह पूरी अपडेट आइए जानते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट इंडिया के ट्विटर हैंडल की अपडेट है। जयपुर से बीजेपी एमएलए कालीचरण सराफ ने सीएम को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, 2000 चयनित डॉक्टरों की नियुक्ति जल्द की करने की मांग। आरएचयूएस आरयूएचएस द्वारा की गई भर्ती का रिजल्ट भी हो चुका है जारी, बावजूद इसके अब तक क्यों नहीं किया जा रहा काम। कालीचरण सराफ ने आग्रह किया कि जल्द हो नियुक्ति। जी हां दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले की अपडेट है जिसमें जो बीजेपी एमएलए हैं कालीचरण जी साहब, उन्होंने सीएम गहलोत को पत्र लिखते हुए जल्द नियुक्ति की यहाँ पर मांग की। इन्होंने कहा कि 2000 जो डॉक्टरों की भर्ती है जिसका काम भी यहाँ पर हो चुका है और इसके रिजल्ट भी जारी हो चुका है, और जो इसकी जो भर्ती एजेंसी थी वो आरयूएचएस थी, भर्ती का रिजल्ट जारी हो चुका है, भर्ती का सारा काम हो चुका, इसके बावजूद भी अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं, यहाँ पर ज्वाइनिंग है वो क्यों नहीं दी जा रही। जल्द ज्वाइनिंग को देखकर यहाँ पर जल्द ज्वाइनिंग की मांग को लेकर यहाँ पर सीएम गहलोत को पत्र लिखा है और जल्द नियुक्ति में भी यहाँ पर आग्रह किया है। बड़ी अपडेट दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे निकल के आ रही। मैं बता दूं, अक्टूबर माह में ये भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। तीसरी बार इस भर्ती परीक्षा को सफल बनाया गया था। 26 अक्टूबर को भर्ती परीक्षा की एग्जाम हुई, इसके बाद में रिजल्ट जारी हुआ और जो है अभी फाइनल रिजल्ट जारी हुआ, और 4 को यहाँ पर एक लिस्ट आरयूएचएस द्वारा जारी की गई थी जिसमें जो ऑफलाइन कैंडिडेट हैं जिन्होंने आवेदन किया था और जिनके जो इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुई उनको बाहर कर दिया। इसके बावजूद अभी जो फाइनल जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया, इसके बावजूद भी अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई। तो यहाँ जो बीजेपी एमएलए हैं कालीचरण जी सराफ, उन्होंने जल्द से जल्द सीएम से नियुक्ति की मांग की, उन्होंने पत्र लिखा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना नहीं भूले। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को